कतर में बेसिक सैलरी आपको मालूम हो गया होगा कि कितना मिलने वाला है। कतर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आपको 1800 रियाल बेसिक सैलरी आपका मिलने वाला है कतर के अंदर में। लेकिन फिर भी कतर के अंदर में अभी काम नहीं है, लेकिन सैलरी का अलाउंस हो चुका है। ये कब का अलाउंस है और क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं है, मैं इन्हीं सारी टॉपिक पे आपको समझाने वाला हूं। और कतर में बेसिक सैलरी 1800 रियाल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी जो है दी जाती है, क्योंकि हमारे चैनल में जो है हमेशा वीजा के बारे में, पासपोर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां और कतर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो पासपोर्ट में तमाम तरह के वीजा लगे हुए हैं। देखिए ये सब वीजा जो है, सब वीजा है, तमाम तरह के वीजा जो है लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि कोई भाई को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो मैं इसलिए आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कतर की बेसिक सैलरी के बारे में, कि कतर सरकार ने अनाउंस किया है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप स्कीम पे देख रहे हैं कि स्कीम पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कतर सरकार ने 2020 में ही अनाउंस कर दिया था कि हर लेबर को अब 1800 रियाल मिलेगा। क्योंकि जो है कतर में बहुत सारे वर्कर के साथ में शोषण किया गया, बहुत सारे दुष्कर्म भी किए गए, इसलिए कतर सरकार ने और हमारे भारत के सरकार ने दोनों की सहमति के अनुसार 2020 में ये कानून लग गया कि हर लेबर को कतर में 1800 रियाल मिलेगा, ये फिक्स कर दिया गया। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि कतर में जो है हर लेबर को 1800 रियाल मिलेगा, लेकिन मिलता किधर है? अगर कोई भी इंडिया में वैकेंसी आता है तो आपको कोई बोलता है कि लेबर के लिए 1800 रियाल सैलरी मिलेगा? कोई एजेंट, कोई ऑफिस वाला कोई भी पोस्टर निकालता है कि आपको 1800 रियाल सैलरी मिलेगा? नहीं निकालता है। रीजन क्या है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि कतर सरकार ने अनाउंस किया है कि आपको जो है 1800 रियाल सैलरी मिलेगा लेबर के लिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंडीशन दी गई है। सबसे पहला कंडीशन कि अगर कंपनी आपको रहने के लिए रूम नहीं देती है तो उसका पैसा कंपनी काट सकती है, और उसका काटने का जो चार्ज दिया गया है 500 रियाल। आप समझ सकते हैं कि रूम रेंट का जो है, एक लेबर रूम का जो रेंट होता है 500 रियाल जो है काटने का आदेश दिया गया है। बचेगा कितना, 1300 रियाल, यानी कि कतर में लेबर के लिए 1300 रियाल भी अभी इसमें से भी कटिंग होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। अब इसमें कहां कटिंग होगा ये भी समझ लेते हैं। कतर की सरकार ने अनाउंस ये भी किया था कि हर लेबर को अगर कंपनी खाना प्रोवाइड नहीं करती है तो कंपनी को 300 रियाल कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी खाना प्रोवाइड करती है तो 300 रियाल सैलरी में से काट लिया जाएगा। यानी खाने के लिए अगर कोई कंपनी आपको पैसा देती है तो सही है, अगर खाने के लिए आपको पैसा नहीं देती है, आप उसके लिए वहां के एम्बेसी में, वहां पे पुलिस के लिए आप जाके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारी ये कंपनी है वो खाने के लिए पैसे नहीं दे रही है। अगर खाना आपको देती है तो आपको पैसा नहीं देगी, उसका पैसा 300 रियाल वो कंपनी काट लेती है। ये कतर की सरकार ने जो है अनाउंस किया था, इस तरीके से अनाउंस किया था। इसलिए अगर हमारे भारत में अगर कोई भी कंपनी कतर की आती है तो सबसे पहले आपको उसमें खाना पीना सब कुछ दे देता है, रूम रेंट अकोमोडेशन सब कुछ दे देता है। उसके बाद जो है आपको सैलरी लगता है 1000 रियाल, 800 रियाल, 1000 से। एक बात और नोटिस कर लीजिएगा, कतर सरकार ने ये अनाउंस जरूर किया है कि 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका सैलरी। अगर कोई कंपनी आपके साथ में 800 रियाल में, 900 रियाल में अगर साइन करवाती है एग्रीमेंट, तो वो समझ लीजिए कि आपका जो है दो नंबर का कागज बनवा रही है। अगर वहां की गवर्नमेंट के पास जो है आपको दो नंबर का कागज भेज देगी कि वहां पे दिखा देगी कि आपको 1000 रियाल सैलरी मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको 800 सैलरी मिल रहा है। तो इस चीज का भी ख्याल आप ही को रखना है। तो मैंने इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कतर में बेसिक सैलरी के बारे में, कि कतर में बेसिक सैलरी कितना मिलता है। और मैं बता दूं कि अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको कितना में जाना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रीशियन है तो आपको कम से कम 1300 से लेके और 1500, 1600, 1800 तक
इसके बीच में ही आपको जानी चाहिए, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो, चाहे और भी ट्रेड हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, सेटिंग कारपेंटर हो सकते हैं, फिनिशिंग कारपेंटर हो सकते हैं, ये सब के लिए ट्रेड जो है आपको 1300 से लेके और 1800 के बीच में आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर इससे कम में आपको लगता है तो मैं तो बोलूंगा कि आप कतर जाए ही मत, क्योंकि आप 1000 में और 1100 में जाके वहां पे क्या करेंगे, क्या बचेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी 1300 के ऊपर आपका सैलरी है, 1300 भी है तो चलेगा ठीक है, लेकिन 1300 से नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी टेक्नीशियन भाई हो। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है, तो प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट करें और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।